कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। इसी कोशिश में लगा रहता हूँ कि सालों बाद मेरे बेटे के पास कोई तो अच्छी याद हो। बहुत जरूरी होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छी यादें छोड़ें। डिवोर्स में ज्यादातर बच्चे अपनी माँ के पास ही रहते हैं। बस इसी बात का बुरा कि मैं उसके साथ इतना। दोस्तों, बॉलीवुड इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है। हिंदी मूवी इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड का बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर मिलकर एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान इतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए हैं जितना इनके फैंस इनसे एक्सपेक्ट करते थे। अगर हम इनकी पिछली रिलीज फिल्मों की बात करें जैसे जीरो रईस और इनकी दूसरी फिल्में फ्लॉप रही थी, तो अपने करियर को लेकर किंग खान ने एक बड़ा फैसला किया और पूरे 3 साल का ब्रेक लिया और अच्छी फिल्मों को सिलेक्ट किया। अब शाहरुख खान एक जोरदार वापसी की तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों, किंग खान ने अपनी फिल्म पठान से कमबैक किया और अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने में सक्षम रही, जिसने किंग खान को एक धमाकेदार कमबैक दिया। फिर इसके बाद वो अपनी फिल्म जवान के साथ पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर छा गए। जवान ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के हिंदी सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हाँ दोस्तों, अब तक के बनाए गए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस वक्त किंग खान अपने करियर की सबसे ज्यादा बुलंदियों पर है। जहां अभी किंग खान की फिल्म जवान के जादू से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बाहर नहीं आ पाई है, वहीं दूसरी तरफ इनकी एक और नई फिल्म डंकी के डंके हर तरफ बज रहे हैं और कहा यह जा रहा है डंकी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे इतिहास को बदल कर रख देगी। क्योंकि एक तरफ तो शाहरुख खान अपने करियर की सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पर है और दूसरी तरफ इनका साथ दे रहे हैं राजकुमार हिरानी। दोस्तों, राजकुमार हिरानी का एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। राजकुमार हिरानी जिस फिल्म को डायरेक्ट करते हैं वो हिट नहीं इतिहास बन जाती है। इनकी डायरेक्शन में बनने वाली हर फिल्म ने बॉलीवुड में अपनी एक छाप छोड़ी है, जिसमें मुन्ना भाई, MBBS, संजीव पीके और 3 Idiots जैसे गोल्डन प्रोडक्शन शामिल है, जिसने हिंदी सिनेमा की सोच बदल कर रख दी। जी हाँ दोस्तों, ये सब राजकुमार हिरानी की ही फिल्में हैं और वही राजकुमार हिरानी बॉलीवुड के अब तक के सबसे बेहतरीन एक्टर किंग खान के साथ टंकी फिल्म को लेकर आ रहे हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि इस बार क्या भौचाल होने वाला है। शाहरुख खान जैसे एक्टर हों और राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर हों तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा होने वाला है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।